इंडिया, मैं हूं आपके साथ साक्षी रुटेजा। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद 24 मई को रिलीज हुई फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी बॉक्स ऑफिस पर सुस्त रफ्तार से कमाई करते हुए आगे बढ़ रही है। एक हफ्ते में विवेक ओबेरॉय स्टारर फिल्म की कमाई 19 करोड़ हो गई है। नतीजों में मोदी लहर का सीधा फायदा विवेक ओबेरॉय की फिल्म को पहुंचा है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी वीकेंड में अच्छा करने के बाद वीकडेज में स्थिर रही। सिनेमा घरों में भारत के आने से पहले फिल्म के पास कमाई का मौका है। अब पूरे हफ्ते बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो बता दूं कि मूवी ने शुक्रवार को 2 करोड़ कमाए, शनिवार को 3 करोड़, रविवार को 5 करोड़, सोमवार को भी 2 करोड़ और मंगलवार को भी 2 करोड़, जिसके बाद बुधवार को भी ये फिल्म 1.5 करोड़ कमा पाई और उसके बाद फिर वीरवार को भी इस फिल्म ने 1.5 करोड़ ही कमाए, जिसके बाद आज शुक्रवार को भी ये फिल्म अब तक लगभग 1 करोड़ ही कमा पाई है। एक लिहाज से देखा जाए तो कम स्क्रीन मिलने के बावजूद फिल्म की कमाई उल्लेखनीय है। अब मेकर्स को उम्मीद है कि पीएम नरेंद्र मोदी की कमाई की रफ्तार आने वाले वीकेंड में और भी जोर पकड़ सकती है। विवेक की फिल्म को पहले से सिनेमाघरों में चल रही अजय देवगन की दिल में प्यार दे से कड़ी टक्कर मिली है। अब अजय की कॉमेडी फिल्म की वजह से पीएम नरेंद्र मोदी और इंडियाज मोस्ट वांटेड की कमाई में गिरावट आई है। बात करें अजय देवगन, रकुलप्रीत और तब्बू की दीदी प्यार दे की, तो इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पर नॉन स्टॉप कमाई जारी है और उसी के साथ मेट्रो सिटी में मूवी को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लेकिन मास सर्किट में फिल्म की कमाई खास नहीं रही है। पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 61 करोड़ कमाए तो दूसरे हफ्ते में इस फिल्म ने 23 करोड़ का कारोबार किया, जिसके बाद अब इस फिल्म की कुल कमाई 84 करोड़ रूपए हो चुकी है। फिल्म के पास कमाई करने के लिए एक और हफ्ता है। सलमान खान की फिल्म भारत के रिलीज होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी दे दे प्यार दे और इंडियाज मोस्ट वांटेड के शो को दर्शक मिलने कम हो जाएंगे। देखना है कि तीसरे हफ्ते में अजय देवगन तब्बू की फिल्म 100 करोड़ रुपए कमा पाती है या नहीं। और साथ में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी की फिल्म अपने बजट से आगे जाती है या वहीं ठहर जाती है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी खबरों के साथ। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए पीएमएस मीडिया।